स्वागत आप सबका ट्राई सीरीज के फाइनल मैच के अंदर। मैच है न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच में, जो खेला जाएगा हैगली ओवल क्राइस्टचर्च पे। मैच टाइमिंग सुबह के 7:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, तो आप वहां से जुड़ सकते हो। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में अपन ब्रीफली बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करेगी पिच रिपोर्ट। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट T20 का मैच आज ही के दिन खेला गया था, तारीख थी 13 अक्टूबर। मैच था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरे हिसाब से फिर से आपको यहाँ पे यूज्ड पिच देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी ट्राई सीरीज के अंदर ना सिर्फ 2 पिचेस का इस्तेमाल किया गया और दोनों पिचेस अभी तक यूज्ड हो चुकी है। तो इस मैच के अंदर भी आपको यूज्ड पिच देखने को मिलेगी। मैं आपको पिच रिपोर्ट हमेशा की तरह टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, इवन मैं आपको हमेशा फोटो देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके पिच की फोटो देख सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको दे दूंगा हमेशा की तरह। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर पहली पारी के अंदर किस तरह से स्कोर्स बनता है। 173 बना, ये भाई साहब बना था आज ही के दिन, ये बनाया था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच था, तो बांग्लादेश ने बनाए थे और यहाँ पे पाकिस्तान ने चेज भी कर लिया था। मोहम्मद नवाज और रिजवान बाबर की बहुत अच्छी पारी थी वहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 173 जैसे टारगेट चेस हो रहे हैं। तो बढ़िया पिच है, बैटर फ्रेंडली पिच यहाँ पे रहेगी। उससे पहले 208 बना था। अब एक और चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, ये आपको दो मैच दिख रहे हैं 173 और 208 वाला, ये दो मैचेस के अंदर फ्रेश पिच का इस्तेमाल हुआ था। अब मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। आपको दिख रहा है ये था पहला मैच, ये था दूसरा ट्राई सीरीज का, ये तीसरा मैच था, ये चौथा मैच था, पांचवा, ये छठवा, ठीक है। तो अभी तक 6 मैचेस में पूरी ट्राई सीरीज के अंदर। पहले मैच के अंदर 167 बना था, फ्रेश पिच थी। फिर ये सेकंड टाइम यूज पिच थी, ये 3 टाइम यूज पिच थी, ये 4 टाइम यूज पिच थी। फिर जो पिछला मैच हुआ था ना, और उससे पिछला मैच 5th और 6th, उसके अंदर फ्रेश पिच का इस्तेमाल हुआ था। तो आप देखो एकदम नई पिच थी, उसमें सीधा 208 बन गया था। और फिर उस पिच के ऊपर दोबारा मैच हुआ, आज ही हुआ था, तब 173 बना। अब फिर से उसी पिच के ऊपर मैच होना है, तो मेरे हिसाब से 160 के आसपास यहाँ पे स्कोर बन सकता है पहली पारी के अंदर। औसतन इस पूरी ट्राई सीरीज के अंदर इस वेन्यू के ऊपर 6 से 7 विकेट गिरे हैं पहली पारी में। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इस वेन्यू के ऊपर न्यूजीलैंड टीम ने 6 मैच खेला, 4 जीता 2 हारा है। पाकिस्तान ने यहाँ पे 4 मैच खेला, 3 मैच जीता, 1 मैच हारा है। अच्छी चीज बताऊँ क्या, न्यूजीलैंड भी यहाँ पर पाकिस्तान से 1 मैच हारी है, और जो पाकिस्तान टीम है वो भी न्यूजीलैंड से 1 मैच हारी है। तो देखते हैं कौन यहाँ पे इस मैच को जीतता है ट्राई सीरीज को जीतने के लिए। इस वेन्यू के ऊपर जो टीम बैट फर्स्ट करी है 8 मैच जीती है, जो टीम चेस करी हुई भी 8 मैच जीती है। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, ये मॉर्निंग का गेम है। अपने भारत के अंदर तो सुबह 7:30 बजे रहेंगे, ठीक है, और जब वहाँ पे मैच स्टार्ट होगा तो दोपहर के 3 बजेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जब वहाँ पे मैच स्टार्ट होगा न्यूजीलैंड के अंदर हैगली ओवल क्राइस्टचर्च के ऊपर, वहाँ पे दोपहर के 3 बजे रहेंगे। तो ना ड्यू फैक्टर है ना कोई और फैक्टर है, यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता। पिच एकदम बढ़िया रहती है, दोनों पारी के अंदर समांतर खेलती है। तो यहाँ पे चाहे आप बैट फर्स्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बैट सेकंड करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कुछ फोटोज है पिच के, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। ये अपने क्रेग मैकमिलन है, ये अपने भाई साहब यहाँ पे ग्रांट एलियट है, पिच के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये पिच आप देख सकते हो, इस तरह से दिखती बेहतरीन पिच है ये, और यहाँ पे रन्स बनते हैं। पर एक बताऊँ डिसएडवांटेज है, अभी आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो ये पिच नंबर 2 है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटेस्ट वाली जहाँ पे मैच होना है मेरे हिसाब से। ये पिच नंबर 1 है, ये पिच नंबर 1 ज़्यादा यूज की हुई पिच है। पिच नंबर 1 पे 4 मैच हुए हैं, पिच नंबर 2 पे अभी तक सिर्फ 2 मैच हुए हैं, और जो पिछले 2 मैच थे इसी पिच के ऊपर हुए थे, पिच नंबर 2 के ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये पिच नंबर 1 है जहाँ पे 4 मैच हो चुके हैं। देखते हैं कौन सी पिच पे मैच होता है। यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत लंबी है, एक तरफ 80 मीटर है, दूसरी तरफ 72 मीटर है। स्क्वायर बाउंड्रीज समझते हो लेग साइड की और ऑफ साइड की, बहुत बहुत लंबी बाउंड्री यार, बहुत से ज़्यादा। स्टेडियम का भी देखना है, ऐसा स्टेडियम दिखता है, गजब ये स्टेडियम। आप खुद देख सकते हो 2 पिचेस हैं यहाँ पे, ये पिच नंबर 1, ये पिच नंबर 2, ठीक है। तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से पिच दिखती है यहाँ पे, स्टेडियम भी बहुत गजब है। चलते हैं फिर से स्टार्ट से। रविस वानी के बाद लास्ट 16 मैच के अंदर पेसर्स ने 118 विकेट निकाले हैं। पहली पारी के अंदर 63 है, दूसरी पारी के अंदर 55 है। राइट आर्म पेसर्स का 97 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर का यहाँ पे 21 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं, लास्ट 16 मैच के अंदर 59 विकेट है, पहली पारी में 36 है, दूसरी पारी के अंदर 23 है। ऑफ स्पिनर्स का 18, लेग स्पिनर्स का भी 18 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 3 विकेट है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 20 विकेट है। तो स्पिनर्स ने वेन्यू के ऊपर पहली पारी के अंदर बहुत अच्छा करा है एज कम्पेयर टू द सेकंड इनिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था आज ही हुआ था 13 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश, उस मैच के अंदर 7 विकेट पेसर का था, 1 विकेट वहाँ पे स्पिनर का था। चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, वेदर फोकस बढ़िया दिखा देता हूँ आपको मैं, वेदर फोकस भी आप देखो। ये मैच वहाँ पे 3 बजे स्टार्ट होगा, सन ये 12 डिग्री सेल्सियस, भाई सोचो दोपहर में वहाँ पे 3 बजे भी 12 डिग्री रहेगा, बहुत सर्दी है वहाँ पे न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर। अभी न्यूजीलैंड के अंदर समर चल रहा है, कोई विश्वास करेगा 12 डिग्री समर चल रहा है, ठीक है।
तो चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट्स की तरह। फिर से न्यूज़ क्या आ रही है आपको बताया होगा, वो सब ड्रैल मिशेल रूट आउट चुके हैं। दोनों टीम्स आपस में 27 मैच खेला है, न्यूजीलैंड 11 जीती है, पाकिस्तान 16 जीती है। लाइनअप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो फिन एलन ओपन करते हैं डेवन कॉनवे के साथ, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, नीशम सैटनर, टिम साउदी, एडम लिन, ट्रेंट बोल्ट। मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर स्टोडी को बाहर करा जा सकता है। इस सीरीज़ के अंदर उन्होंने नॉर्मल गेंदबाजी करी है, ना ख़राब ना इतनी अच्छी, तो लग यही रहा है क्योंकि टीम ना 4 गेंदबाजों के साथ उतर रही है और 5 रन का गेंदबाज होता है नीशम और ब्रैसवेल। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, मेरे को लग नहीं रहा कि लोग ईश्वर को खिलाएंगे और मार्क चैपमैन को बाहर करेंगे। ये लोग 5 बैटर के साथ जा ही नहीं रहे क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है लोगों को, तो वर्ल्ड कप के हिसाब से 11 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बाबर आजम ओपन करेंगे रिजवान के साथ, शान मसूद, हैदर अली, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी टॉप ऑर्डर के अंदर प्रमोट करे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे इशुड़ी खेलता है तो आप ध्यान देना शादाब खान को प्रमोट किया जाएगा, स्पिन को बहुत तोड़ते हैं ये, ठीक है, इस मैच के अंदर ये भी आपको ध्यान देना है। और पिछले मैच के अंदर शादाब खान को क्यों प्रमोट नहीं किया गया था बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे शाकिब हसन थे और शाकिब के सामने भाई नंबर अच्छे थे, किसके सामने, शादाब खान के सामने, ये रीज़न था उनको वहाँ पे नहीं लाया गया था। और मैचअप भी यार वही था कि राइट ही बैटर है तो इसलिए नहीं लाया गया था उनको। और वहाँ पे अगर आपने देखा गया था शाकिब के 2 ओवर बच रहे थे तो इसलिए नवाज को प्रमोट किया गया था, ना कि शादाब खान को। तो लॉजिकल चीज़ें होती हैं ऐसी थोड़ी बहुत। बात करते हैं किसकी हेड टू हेड मैचेस की, फिन एलन ने यहाँ पे हेड टू हेड के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेला है, 13 बैट फर्स्ट 62 चेस के ऊपर है, तो 2 मैच के अंदर 75 रन है हेड टू हेड के अंदर। डेवन कॉनवे का 6 मैच में 180 रन है, बैट फर्स्ट 63 27 36 चेस के ऊपर 549 नॉट आउट है। केन मामा 17 मैच के अंदर 479 रन है, 35 की औसत है, बैट फर्स्ट 37 33 32 17 10 25 31 चेस के ऊपर 72 नाबाद, 70 60 57 नाबाद, 15 11 9 0 9 नाबाद। तो अच्छे स्टैट्स है दोनों के, कॉनवे के तो बहुत बेहतर नंबर्स है। ये प्लेयर भाई उभर के आ रहा है डेवन कॉनवे, क्लास प्लेयर है डेवन कॉनवे। ग्लेन फिलिप्स 11 मैच खेला वर्सेस पाकिस्तान, 136 रन है, 16 की औसत है। इस मैच में अगर बाई चांस सही शफरी दिया जाते हैं तो मेरे हिसाब से इन पर बहुत दिक्कत होगी ग्लेन फिलिप्स के, क्योंकि मैचअप बन रहा है उनका, नीचे बताऊंगा आपको, पर लग नहीं रहा मेरे को आएंगे वो। 31 बैट फर्स्ट 5 13 18 चेस के ऊपर 26 23 12 5 3, क्योंकि जो 13 प्लेयर का स्क्वाड है ना 15 प्लेयर का, उसके अंदर शहीन शाफरीदी का नाम ही नहीं था, आ भी सकते हैं, टीम के ऊपर डिपेंड करता है। मार्क चैपमैन का हेड टू हेड के अंदर वर्सेस पाकिस्तान 4 मैच के अंदर देखो किस तरह से रन है, 68 रन कुल मिला के, 34 चेस के ऊपर 2 चेस पे 34 32 बैट फर्स्ट है। बैट फर्स्ट में अच्छा करते हैं चैपमैन, 30 की औसत, चेस के ऊपर 21 की औसत पूरे T20 करियर में। ब्रैसवेल का हेड टू हेड के अंदर 0 रन था, बैट फर्स्ट प्लस 0 विकेट था, 2 विकेट बॉल फर्स्ट प्लस 2 मैचेस के अंदर। मेरे को लग नहीं रहा कोई सामने ज़्यादा लेफ्टी है, 2 ही लेफ्टी है, शान मसूद नवाज शायद इस मैच के अंदर विकेट थ्रो नहीं करेंगे। लास्ट टाइम 4th टाइम यूज पिच थी वो, इसलिए वहाँ पर स्पिन टू विन फार्मूला भी था, अपन ने बात भी करी थी वहाँ पे। तो इस मैच के अंदर मेरे को लग रहा है पिच थोड़ी सी बढ़िया ही रहेगी, और इस मैच के अंदर मेरे हिसाब से ब्रैसवेल शायद मुश्किल से 1 विकेट है तो विकेटलेस जा सकते हैं। टीम इन पर काउंटर अटैक करेगी, अच्छे से खेलेगी। नीशम का 8 मैच में 5 विकेट है, 36 रन विद द बैट है। सैटनर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 10 मैच के अंदर 12 विकेट है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सटीक लाइन लेंथ रहती है इनकी, हवा देते हैं बॉल को, स्क्वायर बाउंड्रीज लंबी होती है। 7 मैच के अंदर 9 विकेट है, बॉल फर्स्ट वर्सेस पाकिस्तान, बॉल सेकंड के अंदर 3 मैच में 3 विकेट है, 3 बार विकेटलेस गए विद द बैट 81 रन है। टीम साउदी का 15 मैच में 26 विकेट है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पसंद है इसको पाकिस्तान के खिलाफ खेलना। बॉल फर्स्ट 11 मैच में 20 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच में 6 विकेट है, 4 बार विकेटलेस गए। एडम लिन का 10 मैच में 15 विकेट है, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 8, बॉल सेकंड 4 मैच में 7 विकेट है, 3 बार विकेटलेस गए। ट्रेंट बोल्ट 8 मैच में 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 2, बॉल सेकंड 3 विकेट है, 4 मैच के अंदर 3 बार विकेटलेस गए। सोडी का 12 मैच में 8 विकेट है वर्सेस पाकिस्तान, बॉल फर्स्ट 7 मैच में 5, बॉल सेकंड 5 मैच में 3 विकेट है, 6 बार विकेटलेस गए। इवन मैंने गप्तिल के स्टार्ट दिए, मेरे को लग नहीं रहा कि गप्तिल वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे, क्यों, टीम अभी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और मार्टिन गप्तिल को लोग 11 में जगह ही नहीं दे रहे हैं। अभी तक न्यूजीलैंड ने कुछ 3 या 4 मैचेस खेले, अभी तक 4 खेले शायद, तो उसके अंदर अभी तक गप्तिल ने एक ही बार ओपन करा, क्योंकि केन फिट नहीं थे, फिट तो थे मतलब रेस्ट दिया गया था उनको, गलत थोड़ी उसके अंदर, फिट तो थे वो लेकिन रेस्ट दिया गया था। लुकी फर्गसन भी शायद इस सीरीज़ में ना खेले, ऐसा सुनने में आया था, वही बात चल रही है अभी भी। स्टार्टिंग और बोल्ट एडम मिलन, टिम साउदी, मिचेल सैटनर, ज़्यादातर के अंदर ट्रेंट बोल्ट एडम मिलन आएंगे। टिम साउदी भी मुश्किल से 1 ओवर लेकर डेथ में आ जाते हैं, वरना 16 ओवर तक ये क्लोज कर देते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, बाबर आजम ने 9 मैच खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, 364 रन, 45 की औसत है। चेस बैट फर्स्ट में 79, 50 नाबाद, 41 18 7 21, चेस के ऊपर 40 9, 79 नॉट आउट है। रिजवान का 7 मैच के अंदर 185 रन है, इन्होंने इस टीम के खिलाफ अभी तक बड़ा नहीं करा है, बस एक ही बार करा है 89,
वरना एक भी बार 30+ स्कोर नहीं है, इनको अच्छा करना चाहिए इसके खिलाफ। बैट फर्स्ट 22-17-16, चेस के ऊपर 89-33-44। शान मसूद का 2 मैच में 14 रन है, 0 चेस पे 14 बैट फर्स्ट पे। हैदर अली का 5 मैच में 40 रन है, बैट फर्स्ट 8-3-8, चेस के ऊपर 11-10 नाबाद। इनको भी बहुत मौके दिए जा रहे हैं लेकिन ये मौके को सही से बुना नहीं रहे। जितना मौका फकर जमान को मिलता है ना भाई साहब, 2-3 अर्धशतक जड़ देता अब तक वो। सीरियस वर्ड्स है, हंसी मजाक नहीं है। इफ्तिकार अहमद 3 मैच खेला, ये लोगों ने कंपेयर करा था उसको हैदर अली को और उसको फकर जमान को। बहुत लोगों ने कंपेयर करा था पाकिस्तान में, यार आप क्यों खिला रहे हो फकर जमान को, हैदर अली को मौका दो यार, पेशवर जालमी का प्लेयर अपना इधर का प्लेयर है। भाई ने अलग ही दागा ही खोल दिया बोला हैदर अली ने, ऐसा लग रहा है मेरे को। प्लेयर मेरे को भी पसंद है हैदर अली, लेकिन रन्स नहीं बनाएंगे तो भाई आपका वही होगा क्रिटिक्स, और अगर आप अच्छा बनाओगे तो जनता आपके हित में बोलेगी। पर मैं वही कहूँगा हैदर अली में टैलेंट है, थोड़ा सा वर्क करें। डेब्यू के दिन इसने कुछ 50 बनाया था, मेरे को अभी भी याद है, वेन्यू था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, 2020 की बात है, कोरोना काल चल रहा था उस टाइम पे। तो हैदर अली को डेब्यू कराया था न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड क्या बोल रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में तो अभी खेल रहा है बंदा। इफ्तिकार अहमद का 3 मैच के अंदर यहाँ पर हेड टू हेड के अंदर 41 रन्स है, 14 चेस के ऊपर नाबाद, 27 बैट फर्स्ट है। आसिफ अली का 6 मैच में 116 रन है, बैट फर्स्ट 24-2 नाबाद, 25 नाबाद, चेस पर 38-27 नाबाद। शहजाब खान 12 मैच में 10 विकेट है, 88 रन विद द बैट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच के अंदर 0 विकेट है, बॉल सेकंड 8 मैच में 10 विकेट है, 6 बार विकेट लस गए। ये 2 डाउन आ सकते हैं इस मैच के अंदर, हाई चांसेस है, देखते हैं सिचुएशन कैसी रहती है। नवाज 7 रन बैट फर्स्ट 2 विकेट, बॉल फर्स्ट 0 रन प्लस 0 विकेट, बॉल सेकंड। मोहम्मद वसीम 2 विकेट बॉल फर्स्ट 0 विकेट बॉल सेकंड। हरी सरफ का 5 मैच में 12 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 9, बॉल सेकंड 2 मैच में 3 विकेट, 1 बार विकेट लग गए। नसीम शाह का 0 विकेट है, दानी का यहाँ पे 1 विकेट बॉल फर्स्ट 0 विकेट बॉल सेकंड है। शान शफीदी के स्टैट्स है, जमान के स्टैट्स है, हसनैन के स्टैट्स है, खुशदिल शाह के स्टैट्स, सबके दिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर। मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नवाज, हरी सरफ, हरी सरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह। चलते हैं मैच वेन्यू स्टैट्स की तरफ, इसके बाद मैचअप्स की बात करेंगे। तो इस वेन्यू के ऊपर फिनलैंड ने 6 मैच के अंदर 127 रन करे, यहाँ पे बैट फॉर 57-27-13 फिर 32 है, जिसके ऊपर 16-62 है। डेवन कॉनवे का 9 मैच के अंदर इस वेन्यू के ऊपर भाई साहब 335 रन है, कौन इतने रन बनाता है। बैट फर्स्ट 99 नॉट आउट, 11-0-36-64 जिसके ऊपर, 6-0-70 नाबाद, फिर यहाँ पे 49 नॉट आउट है। केन विलियमसन 5 मैच में 90 रन है, फिलिप्स का 10 मैच में 244 रन है, और चैपन का 9 मैच में 170 रन है, निशम का 9 मैच में 113 रन, 6 विकेट है, ब्रेसल का 12 मैच में 308 रन, 9 विकेट है, सेटर का 6 मैच के अंदर 9 विकेट है। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 1 बार विकेट लेस गए विद द बैट, 57 रन है। टिम साउदी का 7 मैच में 9 विकेट है, एडम मिलिंग यहाँ पे 3 मैच के अंदर 3 विकेट है, 2 बार विकेट लेस गए बॉल फर्स्ट करते हुए, और 1 मैच के अंदर सीधा 3 विकेट निकाल दिया था बॉल सेकंड करते हुए वर्सेस बांग्लादेश। टिम साउदी का 5 मैच में 7 विकेट है स्वर्णी के ऊपर, एक टीम सऊदी ने ट्रेंट बोल्ट का 5 मैच में 7 विकेट, 1 बार विकेट लस गए। गिल शूडी का 9 मैचेस में 7 विकेट है, 6 दफ़ा विकेट लस गए। गप्तिल भाई का 5 मैच में 42 रन है, फोगोसन का 3 मैच में 2 विकेट है। पाकिस्तान की बात करते हैं, बाबर अजम 22 बैट फर्स्ट 79 नॉट आउट चेस पे, 21 बैट फर्स्ट 55 चेस पे। रिजवान 78 नॉट आउट, बैट फर्स्ट 4 चेस पे, 16 बैट फर्स्ट 60 चेस के ऊपर है। शान मसूद 31 बैट फर्स्ट 0 चेस पे, 14 बैट फर्स्ट, लास्ट मैच के अंदर इसने चेस करते हुए बैट नहीं करा था। हैदर अली 6 रन 10 रन 8 रन 0 रन। इफ्तिकार अहमद 13 रन 0 विकेट 27 रन 0 विकेट है, 2 मैच में बैट नहीं करा। आसिफ अली 4 मैच खेला, कुल मिला के यहाँ पे 31 रन है स्वर्णी पे। शहजाब खान का यहाँ पे कुल मिला के 4 मैच के अंदर 2 विकेट है, और विद द बैट 42 रन्स है। लिख भी देता हूँ अगर आपको चाहिए, 4 मैच खेले, 2 विकेट है, ये देखो आप यहाँ पे लिखता हूँ, 2 विकेट है और कुल मिला के 42 रन्स है। नवाज 4 मैच खेला है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आया, 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, 45 रन। नवाज यार इस टीम का एक्सपेक्टर बन चुका पाकिस्तान का, याद करो एशिया कप जिसके अंदर नवाज ने इंडिया को हराया था, वहाँ पे अकेले दम पे पूरा भाई ने मैच निकाल के दिया था, 20 बॉले में कुछ 45 बना दिया था वहाँ पे। नवाज के बाद आते हैं यहाँ पे रिजवान की भी बात कर ली, बाबर की बात कर ली। मोहम्मद वसीम जूनियर 3 विकेट बॉल सेकंड 2 विकेट बॉल फर्स्ट 0 विकेट बॉल सेकंड 2 विकेट बॉल फर्स्ट है, अच्छे गेंदबाज है। हैरी सरफ का 1 विकेट 3 विकेट है, नसीम शाह का 0 2 विकेट है, अच्छी गेंदबाजी करी थी लास्ट मैच में, यॉर्कर्स अच्छी नेल करी थी, स्लोअर बॉल बहुत अच्छी थी इनकी, बैक ऑफ द एंड रीड ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे आफिफ हुसैन। फिन एलन वर्सेस मोहम्मद वसीम 5 गेंद 7 रन 1 बार आउट किया, शदाब खान ने 8 गेंद में 11 रन देकर 1 बार आउट किया। डेवन कॉनवे वर्सेज हैरी सरफ 17 गेंद 27 रन 3 बार आउट किया, 2 बार पहली पारी में। केन विलियमसन वर्सेज शदाब खान 126 गेंद 98 रन 4 बार आउट किया 3 बार पहली पारी में। ग्लेन फ्लिप्स वर्सेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, शहीन अफरीदी 6 गेंद 5 रन 2 बार आउट किया हुआ है,
हैरी श्रॉफ यहाँ पे 12 गेंद 12 रन, 2 बार आउट किया हुआ है। दानी ने यहाँ पे 1 बॉल में 0 रन देकर 1 बार आउट किया हुआ है ग्लेन फिलिप्स को। जिम्मी नीशम वर्सेज हैरी श्रॉफ 6 गेंद 2 रन, 1 बार आउट किया है। शादाब खान ने 35 गेंद में 34 रन देकर 1 बार आउट किया हुआ है। हसनैन टीममेट है, आपको पहले भी कहा था मैंने, नीशम और हसनैन ने एक साथ ट्रिनबागो यूनाइटेड के लिए पुलाड़ के अंदर खेला हुआ है सीपीएल में। ब्रैसल वर्सेज हैरी श्रॉफ 1 बॉल 0 रन, 1 बार आउट किया। गप्तिल वर्सेज हैरी श्रॉफ 13 गेंद 25 रन, 2 बार आउट किया हुआ है। शादाब खान ने 4 बार आउट किया हुआ है। 94 ओवर में 78 रन देखे गप्तिल को। चैपमैन वर्सेज हैरी श्रॉफ 8 गेंद 12 रन, 2 बार आउट किया है। बाबर आजम वर्सेज टिम साउदी, लास्ट टाइम ब्रैसल ने आउट किया था, 9 गेंद में 6 रन देखे। टिम साउदी ने 93 बॉल में 59 रन देखे, 4 बार आउट किया हुआ है। रिजवान वर्सेज टिम साउदी 38 गेंद 37 रन, 2 बार आउट किया। ब्रैसल ने भी लास्ट टाइम उनका आउट किया था, 7 डॉट बॉल डाली थी यहाँ पे रिजवान को ब्रैसल ने, फिर अटैकिंग शॉट खेलने गया आउट हो गए। जमान वर्सेज सैटनर 41 गेंद, पर जमान यार खिलाएगी टीम तब ना, या तो फिट नहीं है मेरे को जितना सुनने में आ रहा है, फिर जमान अभी तक अनफिट है। शान मसूद वर्सेज टिकनर सैटनर 50 रन का आप देख सकते हो, आसिफ अली का भी आप देख सकते हो। शादाब खान की बात करते हैं, ये जहाँ थोड़ा ऊपर आ रहे हैं सैटनर के सामने फंसते हैं, अगर सैटनर खेलते हैं तो मेरे को लग रहा है इनको थोड़ा सा नीचे भेजा जा सकता है। ईश्वरी खेलेंगे तो भाई ईश्वरी को सामने शादाब खान को भेजा जाएगा। 62 गेंद 36 रन, 3 बार आउट किया सैटनर ने। लास्ट टाइम भी सैटनर ने फंसाया था शादाब खान को 2 बार पहली पारी में। स्टार्टिंग ओवर बाबर रिजवान, भाई ईश्वरी के सामने देखो शादाब खान को 73 रन 37 गेंदों में, भाई इतना कौन दूता है। कॉमन कैप्टन बाबर रिजवान, बड़ी लीग में बनाओ मोहम्मद रिजवान, बाबर कॉनवे, शादाब अलग जाना है, नवाज हैरी श्रॉफ का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे फिर ड्रीम इलेवन टीम की, तो यहाँ पे कैप्टन है डेवन कॉनवे, वाइस कैप्टन रिजवान, और दोनों इस टीम के कीपर बैटर्स हैं। पहले बताऊँ 1990 के टाइम पे क्या होता था, बस आप कीपिंग कर लो आपको टीम में जगह मिल जाएगी। अब भाई साहब ऐसा नहीं होता, आपको कीपिंग भी आनी चाहिए, आपको रन भी बनाने हैं, तो जमाना बदलता है यार। ठीक है, अब टीम तो मैंने शायद आपको पूरी दिखाई दी थी, ये पूरी टीम है ट्रेंट बुल, हैरी श्रॉफ, टिम साउदी, सैटनर, नवाज, ग्लेन फिलिप्स है यहाँ पे, इवन शान मसूद अच्छे पिक हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है अर्ली विकेट पाकिस्तान का जा सकता है 5वें 6वें ओवर के आसपास तक, या मुश्किल से 7-8 ओवर तक एक विकेट चला जाएगा, तो शान मसूद आ सकते हैं वहाँ पे टैकल करने, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बनाने। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, क्या शान मसूद आएंगे। वन डाउन ग्लेन फिलिप्स पे थ्रेट रहेगा हैरी श्रॉफ वगैरह का, स्क्वायर बाउंड्रीज लंबी है। लास्ट मैच में भी 1-2 बार लक्की रहे थे, पर नॉक बहुत अच्छी थी उनकी, भाई क्या नॉक थी वहाँ पे। जब निशा अपने ग्लेन फिलिप्स बैट कर रहे थे ना लास्ट मैच में, तो जो डीजे वाला था सुनता हूँ कौन सा गाना बनाया था, जॉन सीना की जो एंट्री होती है टन टन करके आया सीधा, क्या धोखे गया था वहाँ पे। डेवन कॉनवे यहाँ पे कैप मतलब कीपिंग ऑप्शन में अवेलेबल है, रिजवान अच्छा ऑप्शन है, दोनों टॉप मोस्ट पिक है। फिन एलन भी अच्छा पिक है, अटैक करके आके खेलता है, लास्ट मैच में भी 50 पॉइंट दिया, उससे पहले 89 पॉइंट दिया, फिर 20-23 पॉइंट दिए, तो प्लेयर ठीक है। पर बात हुआ है कि सामने क्वालिटी पेसर अगर हैरी श्रॉफ, मोहम्मद वसीम, नशीम सब तीनों साथ में आते हैं तो फिन एलन पे थ्रेट रहेगा। नशीम साहब भी विकेट टेकिंग बॉलर है, वसीम जूनियर भी विकेट टेकिंग बॉलर है, हैरी श्रॉफ तो सब जानते हैं कि रॉफ साहब तो विकेट टेकिंग होते होते हैं, क्योंकि डेवन कॉनवे एंकर का लोजा करते हैं, स्टार्टिंग में सिंगल डबल निकालते हैं, फिन एलन अटैक करते हैं, तो अटैक ये करने जाएंगे तो विकेट थ्रो कर सकते हैं। बाबर इंपॉर्टेंट है, ग्लेन फिलिप्स भी आपका कॉल रहेगा, प्लेयर बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं। कॉल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान अभी तक ज़्यादा बड़ा नहीं करा है, फॉर्म अच्छा है, गप्तिल खेले तो ले लेना। केन मामा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिंगल डबल निकालते हैं, एंकर का रोल अदा करते हैं। शान मसूद मेरे को लग रहा है अटैकिंग रोल अदा कर रहा है, या एंकर का रोल अदा करते हैं ना तो सिंगल डबल निकालते हैं, आते हैं अटैक करना चालू करते हैं, उन्हें विकेट थ्रो कर जा रहे हैं, इनसे एंकर का रोल अदा कराना चाहिए। ब्रैसल आपका कॉल रहेगा, अगर सैटनर खेलते हैं तो मैं सैटनर को पिक करूंगा ब्रैसल के ऊपर, सीधी बात है, सैटनर इज अ क्वालिटी स्पिनर। शादाब इंपॉर्टेंट, नवाज इंपॉर्टेंट है, टिम साउदी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत अच्छा हेड टू हेड स्टैट्स है। वसीम खेलें, बॉल फर्स्ट करें तो ले लेना, बॉल फर्स्ट के अंदर मेरे को तीनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वसीम, नशीम और वहाँ पे हैरी श्रॉफ, तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे बॉल फर्स्ट में। अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करती है तो मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एडम लेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों डेथ में दिखेंगे आपको। टिम साउदी डेथ से पहले ही अपने ओवर्स फिनिश कर जाते हैं जितना मैंने ऑब्जर्व करा हुआ है, बॉल फर्स्ट में, बॉल सेकंड में इनके ओवर बच जाते हैं कई दफ़ा। ठीक है, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आगे दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर तो जुड़ जाना, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चल नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, देखते रहे स्टार्ट सी, लव यू गाइस, सी सून। ये वीडियो तो मेरे हिसाब से सबसे लंबा बन चुका है पूरी ट्राई सीरीज का, तो जय हिंद, सी सून।